कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में जानेंगे कि किन राशि के जातकों के को इस सप्ताह जो है मिलेंगे मन चाहे फल। हमारे इस साप्ताहिक राशिफल की जो भविष्यवाणी होती है वो वैदिक ज्योतिष पर आधारित होती है। आपका जीवन अच्छी तरह से चलता रहे और आप हर परेशानी से दूर रहे, यह आशा रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने ये साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर होते हैं। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल आप पर कैसा प्रभाव डालेगी, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपके ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही मिलेगा एक ज्योतिषीय उपाय जो आपकी सभी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। इस हफ्ते कौन कौन से गोचर होने वाले हैं, किन किन ग्रहों का, मतलब कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपको इस छोटी सी वीडियो में जानने को मिल जाएगा अपनी राशि के राशिफल के अलावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदू पंचांग के साथ। सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की जो शुरुआत है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शतभिषा नक्षत्र में होगी। वहीं सप्ताह का अंत जो होगा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कृतिका नक्षत्र में होगा। 24 फरवरी से 1 मार्च की सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार जो है वैसे नहीं आएंगे। अब बात करते हैं ग्रहों का गोचर। चंद्रमा तो गोचर करते ही है, जिसको हम आधार मानकर यह राशिफल तैयार करते हैं। साथ इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाते हैं उन ग्रहों के गोचर का प्रभाव का जो इस हफ्ते होने वाले हैं। तो सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होंगे और इसके बाद मीन, मेष और वृषभ राशियों में गोचर करेंगे। सप्ताह का अंत वृषभ राशि में चंद्र के गोचर से होगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह 29 फरवरी को शनिवार को शुक्र का मेष राशि में गोचर होगा, इसीलिए इन ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। वीडियो की शुरुआत करें, राशिफल बताना शुरू करें उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि यह जो भविष्य फल हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करें, आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पर आप मुफ्त में अपनी कुंडली बना सकते हैं। 50 से 56 पेज की कुंडली आपकी बन जाएगी, जिसको आप जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास भविष्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और वहां पर आपको आपकी चंद्र राशि भी पता चल जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप पर या फिर हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे राशिफल की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। राशि चक्र की छठी राशि है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्गो साइन। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर है, क्योंकि चंद्रदेव आपके छठे भाव में है, जिसकी वजह से शारीरिक रूप से थोड़े परेशान होंगे। आमदनी में गिरावट आएगी और खर्चे अधिक होंगे और स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा। इस दौरान वाद विवाद में परेशानी हो सकती है। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर जो है आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे आपको व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहेंगे और आप काफी खुश दिखेंगे। परिवार का वातावरण सुकून से भरा रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे, जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार की धन हानि के योग बनेंगे। इससे बचने के लिए आपको बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर जो है आपके नवम भाव में होगा, जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिता को सुख मिलेगा, आपके कार्य में सफलता मिलेगी, भाग्य मजबूत होगा, आमदनी भी बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे। इसी सप्ताह शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जिससे गुप्त सुखों को भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। खर्चे अधिक होंगे लेकिन आमदनी भी आपको मिलेगी, जिससे आप उन खर्चों का निर्वाह आसानी से कर पाएंगे। अवांछित यात्राओं से बचना चाहिए, भाग्य में थोड़ी कमी रह सकती है। प्रेमी जातकों की बात कर लेते हैं तो यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा प्रेमी युगल के लिए। आपको अपने संगी के साथ समय बिताने के लिए भरपूर मौके मिलेंगे और दोनों साथ में कोई नया काम करने का विचार कर सकते हैं। आपका यह सप्ताह अपने प्रियतम को पुरानी यादें ताजा करने में बीतेगा और आप अपने लम्हे, अच्छे लम्हे की बात ये जो है एक दूसरे से शेयर करेंगे। यदि आप मैरिड हैं तो सप्ताह का पूर्वार्ध काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की बढ़ोतरी होगी और अंतरंग संबंधों की वृद्धि होगी। आपके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और जीवन साथी के साथ आप खुशी से रहेंगे। उत्तरार्ध में स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। उपाय जान लेते हैं इन बदलावों से, इन परेशानियों से कैसे निकलना है। आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला 7 दिन। तो
तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आपके 24 फरवरी से 1 मार्च तक के जो है सप्ताह के बीच जो 7 दिन है इसका हमने लिखा जोखा आपको दे दिया है, बहुत सारी जानकारियां दी हैं, हर एंगल से आपको हमने बताया है किस तरीके से बीतेगा। शुक्र का गोचर है, चंद्रमा का गोचर है, उनका सम्मिलित प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी राशि पर यह हमने आपको बताया है, तो बहुत सारी जानकारियां हैं, इसे जरूर आप देखें, सुनें, शेयर करें। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम यही कामना करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा बीते। नमस्कार।